कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मौत की खबर मिलने से इतने नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत सबके सामने आरोपियों को गोली मारने का आदेश दे दिया। लेकिन जब बीजेपी ने इस मामले पर उनकी आलोचना की तो उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने पुलिस के सामने फोन पर आरोपी को गोली मारने का आदेश दिया। बीजापुर में जेडीएस कार्यकर्ता की मौत की खबर मिलने के बाद कुमार स्वामी ने विवादास्पद बात कही। कल विवाद बढ़ने पर कुमार स्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया बल्कि भावुकता में कहा था। बीजेपी ने कुमार स्वामी की आलोचना करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। कुमार स्वामी का हत्या का आदेश देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कल जेडीएस कार्यकर्ता प्रकाश की हत्या गोली मारकर कर दी थी। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी के एक वीडियो पर सियासी उबाल आ गया है। इस वीडियो में सीएम फोन पर पुलिस को ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आरोपियों को गोली मार दो। कुमार स्वामी के इस वीडियो पर बीजेपी ने सीएम पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सबके सामने हत्या का आदेश देना आपत्तिजनक है। इस विवाद के बढ़ने के बाद कुमार स्वामी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया था बल्कि उनके मुँह से भावुकतावश ऐसा निकल गया। ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾಮೀನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ, ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮೀನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And repeatedly speaking like this only from so many incidents. Outward, she'll say, as chief minister, I have not said like that.